नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 28 दिसंबर जमशेदपुर आसू पार्टी ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विश्वासघात दिवस पार्ट 2 का आयोजन आसू पार्टी द्वारा साक्षी मुखिया गोल चक्कर पर किया गया। इस दौरान एक सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह ने की तथा संचालन जमशेदपुर प्रखंड के कार्यकारी अध्यक्ष सचिन प्रसाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव श्री चंद्र गुप्त सिंह उपस्थित थे। विश्वासघात दिवस का दूसरा साल को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि जिस वादे के साथ हेमंत सरकार गद्दी पर बैठने का काम किए थे सब वादा भूल गए हैं तथा कुंभकर्णी की नींद में सो रहे हैं। कन्हैया सिंह ने कहा 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात, रिक्त पदों पर नियुक्ति, 75% नौकरी में स्थानियों को आरक्षण, स्थानीय नीति, नौकरी नहीं तो भत्ता, शहीदों के परिवार को नौकरी, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को नौकरी में 50% का आरक्षण, महिला बैंक की स्थापना, चुला खर्च 2000 रुपये प्रतिमाह, सभी गरीब परिवारों को 72000 सालाना, गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुंदर आवास, वृद्ध विधवा को पेंशन 2500 रुपये, किसानों का लोन माफ, किसान बैंक की स्थापना, अनाजों के साथ साथ सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना, मॉडल स्कूल की स्थापना, बंद प्राथमिक विद्यालय को खोलना, पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाना, विस्थापितों को हक दिलाना, पारा शिक्षक का स्थायीकरण, 4 लाख रुपये तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आदि का वादा वर्तमान सरकार ने किया था। इन वादों पर सरकार खरा ना उतर कर जब जब नींद खुलती है तब तब अनाप शनाप बयान देकर लोगों को गुमराह करने का कार्य 2 वर्षों से किया जा रहा है। टैक्सी, मैक्सी, स्कॉर्पियो, टेंट हाउस, मुर्गी पालन, सुअर पालन, अंडा बिक्री करने की बात मानिए मुख्यमंत्री कहते हैं, जो कि यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़ा धोखा है। राज्य में हालात अच्छे नहीं है, अपराध सर चढ़कर बोल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हेलमेट नहीं पहनना ही सरकार के लिए सबसे बड़ा अपराध है। सभा को संबोधित करते हुए आसू के केंद्रीय सचिव श्री चंद्र गुप्त ने कहा कि वादा खिलाफी के कारण हम लोग पोल खोल के साथ विश्वासघात दिवस की 2री वर्षगांठ मना रहे हैं। इस सरकार ने हर वर्ग के लोगों को ठगा है। उन्होंने सरकार से नैतिकता के आधार पर गद्दी छोड़ने की बात कही तथा कहा कि आसू का यह पोल खोल अभियान आगे भी जारी रहेगा। ऐसे बहुरूपिया मुख्यमंत्री को जब तक आसू सत्ता से हटा नहीं देती चुप नहीं बैठेंगी। सरकार आज तक अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर सकी है। 40 वादाओं को पूरा करना हेमंत सरकार के बस की बात नहीं है। झारखंड की हेमंत सरकार जो है इसके 2 साल की नाकामियों को, जो अपने वादों में विफल हुई है, उसके खिलाफ आज आसू पार्टी साक्षी के मुख्य गोल चक्कर पे जनता को उनकी नाकामियों को बताने के लिए विश्वासघात दिवस पार्ट 2 रखती है। पार्ट 2 इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि पिछले वर्ष आज ही के दिन 1 साल की उपलब्धि को गिना रहे थे और हम लोग उनकी विफलता को गिना रहे थे। आज 1 साल और हो गया, 2 साल, 2 साल के बाद भी 2 लोगों को भी नौकरियाँ इस सरकार ने नहीं दी, 2 बेरोजगारों को भी यहाँ भत्ता नहीं मिला। इन्होंने चुनाव से पहले जितने वादे किए थे कि हम 27% आरक्षण देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, भत्ता देंगे और एक चीज़ कह रहे थे कि 3 लाख रुपये में घर बना के देंगे जिसमें माँ, बहू, बेटा सारे लोग रहेंगे, पंखा होगा, लाइट होगा, शौचालय होगा, पानी होगा। इतना में अभी तक शौचालय जो बना हुआ है उसको दुरुस्त नहीं कर पाए हैं और ये अपने सारे के सारे वादों पे विफल हुए हैं। इसी के तहत हम लोग आज जनता के बीच विश्वासघात दिवस मनाने का काम करें। सरकार का 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष होने के बावजूद भी जो जो वादा किए एक भी वादा को पूरा नहीं कर सकते। ये जनताओं को धोखा दिए, इसलिए जनताओं को और साथ साथ मुख्यमंत्री को हम लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जनता को धोखा ना दे। जनता आपको बचाना चाहती है कि ये जो हेमंत सोरेन ने वादा किए, वादा खिलाफी के एक दिवसीय धरना है।